राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। तो आज के वीडियो में है श्लोक नंबर 5, क्योंकि श्लोक नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं एक ही वीडियो बनाऊँगी, वीडियो में एक ही श्लोक बनाऊँगी। तो फिर श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गुरुवे नमः। तो चलिए अभी हम लोग हमारा श्लोक नंबर 5 उसको रिसाइट करते हैं। तो श्लोक नंबर 5 कुछ इस तरह है। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षम अपि हो लोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीक्तान्। तो इस श्लोक में है 4 टोटल लाइन्स है। तो 4 लाइन्स को मैं दो दो अलग अलग भागों में समझाऊंगी। तो सबसे पहला श्लोक मीन्स सबसे पहले दो लाइन जो है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम अपि हो लोके। जब हम लोग इसके मतलब को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसके मतलब कुछ इस तरह से होते हैं। गुरु मतलब द सुपीरियर्स, गुरुजन। अहत्वा इसका मतलब है नॉट किलिंग, नहीं मारना। ही मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से। महानुभावन मतलब ग्रेट सोल, महान आत्माएं। श्रेयो इट इज बेटर, यो जो बेहतर है। भोक्तुम इसका मतलब है टू एंजॉय लाइफ, जीवन को आनंद से जीना। भैक्षम मतलब बाय बेगिंग, भीख मांगना। अपीह मतलब इवन इन दिस लाइफ, इसका मतलब है इस जीवन में। लोके मतलब इस पृथ्वी में, इन दिस वर्ल्ड। तो इन जब दो लाइनों को हम लोग ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो फिर इसके मतलब कुछ इस तरह से होता है कि इंस्टेड ऑफ किलिंग दोज ग्रेट सोल्स, इट इज बेटर फॉर मी टू इन्जॉय लाइफ बाई बेगिंग इन दिस वर्ल्ड। इसका जब हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है कि इन महान गुरुजनों को हत्या करने के बदले मैं भिक्षा मांग के अपना अन्न ग्रहण करना चाहूँगा इस पृथ्वी में। और उसका थर्ड और फोर्थ लाइन जो है, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भुगानो रुधिर प्रदीक्तान्। जब हम लोग इसका मीनिंग को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है। हत्वा मतलब किलिंग, मतलब मार के। अर्थ मतलब गेन, लाभ। कामान इसका मतलब है डिजायरिंग, इच्छा। स्तु इसका मतलब है परंतु, बट। गुरुन इसका मतलब है द सुपीरियर्स, गुरुजन। इह एव इसका मतलब है सर्टेनली इन दिस वर्ल्ड, एव मतलब सर्टेनली, इह मतलब इन दिस वर्ल्ड मतलब निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर। भुंजीय भोगान इसका मतलब है वन हैज टू एंजॉय enjoyable things, मतलब सुखद चीज़ों का आनंद लेना। रुधिर इसका मतलब है ब्लड, मतलब खून, रक्त। प्रदीक दान इसका मतलब है tainted with, मतलब दूषित। जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। बट the life that we are desiring to enjoy in this world after killing the superiors, those enjoyable things would be tainted with their blood. और जब हम लोग इसका
हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, जिस जिंदगी को हम जीने की आशा करते हैं वो जिंदगी हम हमारे गुरुजनों को मारने के बाद वो सुखद चीज़ों, वो सुखद जिंदगी उनके खून से दूषित हो जाएंगी। तो इन श्लोक्स के अकॉर्डिंग में अर्जुन ये कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि वो अपने ही गुरुजनों को मार के, अपने ही फॉरफादर्स को मारने के बाद वो किस तरह से खुश रहेगा, और अगर उसको बाद में अगर उसको खुशी मिलती भी है तो फिर वो खुशी उनके रक्त से दूषित हो जाएंगी और वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक तरफ से देखा जाए तो जब अर्जुन ये कह रहा होता है तो इसका और एक मतलब भी निकलता है कि और जो गुरुजन अपने स्वार्थ के कारण सही और गलत में फ़र्क ना करके गलत को चूज करते हैं तो फिर वो रिस्पेक्ट पाने के लिए सूटेबल नहीं है। और ये सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन अपना धर्म, एक क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वो कहता है कि वो अपने गुरुजन को वो हत्या नहीं कर सकता, इसके बदले उनकी हत्या के बदले, उनको हत्या करने के बदले वो भिक्षा मांग के, भीख मांग के अपनी ज़िंदगी काटना बेहतर समझता है। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और अगले श्लोक में अर्जुन और क्या कहता है वो हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। और तब तक अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगे तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय गीता जय गीता जय गीता।